हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि की प्रतिपदा के दिन सभी भक्त श्रद्धानुसार अपने घर में, कारोबार में घट स्थापना अर्थात कलश की स्थापना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त एवं विधि विधान से कलश की स्थापना करने से माँ जो दुर्गा जी दुर्गा होती हैं, जिन नवरात्रि में दुर्गा माँ का पूजा होता है, दुर्गा माँ के नौ रूपों का, वो काफ़ी प्रसन्न होती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि भक्त पूरी श्रद्धा से माँ की आराधना करते हैं, लेकिन उन्हें कलश स्थापना का सही विधि नहीं मालूम होता है। यहाँ पर हम आपको कलश स्थापना की आसान विधि बता रहे हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर अथवा घर के ईशान कोने या पूर्व दिशा में लकड़ी की चौकी पर लाल अथवा पीले वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। प्रतिपदा के दिन सुबह के शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के लिए सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का एक पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाकर फिर एक परत जौ की बिछाइए। इसके ऊपर फिर से मिट्टी डालिए जौ के ऊपर और उसके बाद एक परत फिर से मिट्टी लगाइए और फिर उसके ऊपर फिर से जौ लगाइए। उसके बाद जल से उसे गीला कर दीजिए, उस पर पानी छिड़क दीजिए। जब पानी मिट्टी के ऊपर आप छिड़क देते हैं, उसके बाद सोने, तांबे अथवा मिट्टी के कलश की विधि पूर्वक स्थापित करें। कलश चांदी, सोना या मिट्टी का होना चाहिए या तांबे का। पीतल का भी कलश आप ले सकते हैं, लेकिन लोहा या स्टील, इस तरह के किसी भी धातु का आप कलश न रखें। कलश को गंगा जल से भरकर उसमें पंचरत्न, रोली, मिठा जिसे गुड़ कहते हैं, चांदी का सिक्का डालकर उस पर आम के पत्ते लगाकर कलश को ढक्कन से ढक दें। आम के पत्ते गुच्छे में होने चाहिए, जिसमें डाली के साथ पांच पत्ते रहते हैं। फिर उसे ढक्कन से ढकने के बाद ढक्कन में अक्षत भरकर, अक्षत जिसे अड़वा चावल कहते हैं, वो अक्षत भरकर उस पर जटा वाला नारियल किसी लाल चुनरी में लपेट कर रख दें। कलश के कंठ पर मौली अथवा लाल धागा बांध दें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कलश के ऊपर जो नारियल रखा है, नारियल का मुंह किस ओर है। नारियल का मुंह उस तरफ होता है जिस ओर वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। नारियल का मुंह जो है आपको जिस तरीके का फल चाहिए उस ओर रखना चाहिए। पेड़ का टहनी से जो लगा रहता है नारियल, वो नारियल का मुंह होता है। अगर आपको धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो नारियल का मुंह पूर्व दिशा की ओर रखिए। अगर नारियल का मुंह ऊपर की ओर रखिएगा तो आपके घर में शत्रु की वृद्धि होगी। अगर नारियल का मुंह अगर आप पूरब की ओर रखिएगा तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी। लेकिन नारियल का मुख उस ओर रखना चाहिए जिस ओर बैठकर भक्त दुर्गा माँ का आराधना करता है, दुर्गा माँ की पूजा करता है। तो हमेशा नारियल का मुख
भक्त की ओर रखिए। इसके पश्चात सभी देवताओं देवी को कलश में आह्वान करें कि सभी देव देवता हमारे घर में आएं। इसके पश्चात दीपक धूप अगरबत्ती जलाकर माँ की तस्वीर एवं कलश की पूजा जरूर कीजिए। फिर माँ को फूल माला लौंग इलायची नवेद पंचमेवा इत्र शहद मिठाई आदि ये सब को भोग के रूप में अर्पित कीजिए। नवरात्रि के दौरान कलश के सामने अखंड दीप भी जलाइए। यदि घी का दीपक जलाए हैं तो ध्यान रखें कुश में माता की घी का दीपक को माता की दाई ओर रखें। अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो माता की बाई ओर वो दीपक रखिए। अखंड दीप जो कभी बुझता नहीं है लगातार 9 दिनों तक। दीपक की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि दीपक के नीचे चावल अथवा सप्त धन रखा हो, उसके ऊपर ही दीपक स्थापित कीजिए। दीपक के नीचे चावल रखने से माँ लक्ष्मी की पुण्य कृपा प्राप्त होती है तथा दीपक के नीचे सप्त धन रखने से समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि में माँ के आगे जो दीपक जलाए उसमें रुई की जगह पे यदि सूती लाल कलावे का प्रयोग किया जाए तो माँ शीघ्र ही कृपा बरसाती है। इसलिए दीपक की बत्ती में सूती लाल कलावे का प्रयोग कीजिए। नवरात्रि के 9वें दिन 9 साल से कम उम्र की 10 साल से कम उम्र की 9 साल और 5 साल से ऊपर यानी कि 5 साल और 10 साल के बीच में जिन कन्याओं का उम्र होता है, जो लड़कियां होती हैं छोटी बालिका, उनका उम्र 5 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे होनी चाहिए। और एक लड़के को जिसका उम्र भी उन्हीं लड़कियों की उम्र का होना चाहिए, उन्हें गिफ्ट देना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए और जो कलश स्थापित होती है उन्हें हिला दिया जाता है। कन्याओं का भोग लगाना जरूरी होता है। उसके बाद कुछ जौ के जर सहित उखाड़ कर घर के तिजोरी धन स्थान पर रखना चाहिए। इससे घर में स्थापित सुख समृद्धि एवं वास होता है। कलश के पानी को निकालकर जब पूजा समाप्त हो जाए तो पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, जिससे अशुद्धियाँ जो अशुद्ध शक्तियाँ होती हैं वो बाहर चले जाते हैं। कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे तोड़कर प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को देनी चाहिए। मिट्टी का बर्तन जिसमें जौ उगाई गई है उससे बची हुई जौ को संध्या से पहले किसी नदी में विसर्जित करनी चाहिए। ये हमने बताया नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।